दिल्ली पब्लिक स्कूल मिहान के पूर्व प्राथमिक छात्रों ने अपने खेल आयोजन स्पोर्ट्स फेस्ट लिटिल चैंपियंस लीग 2022-23 के दौरान एक भव्य प्रदर्शन किया। शुक्रवार 13 जनवरी 2023 को इसके विशाल परिसर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर फुटबॉलर और दो बार की संतोष ट्रॉफी विजेता टीम के सदस्य मोहम्मद फैजान अख्तर मुख्य अतिथि थे। सम्मानित अतिथि सविता जायसवाल, निदेशक डीपीएस मिहान और कामटी रोड ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और नवोदित खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। अतिथियों का सर्वप्रथम स्वागत प्रधान अध्यापिका निधि यादव ने पौधा देकर किया, जो कि विद्यालय की परंपरा है। अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट तुलिका केड़िया को उनकी दूरदर्शी दृष्टि के लिए स्कूल में सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल की भावना विकसित करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत किया गजभिये के मंत्रमुग्ध कर देने वाले जिम्नास्टिक प्रदर्शन से हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि सभी स्कूलों में खेलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और माता पिता को अपने वार्ड के बच्चों को शारीरिक फिटनेस विकसित करने के लिए खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़कर किया गया। Good morning. Love this song. I take this opportunity to convey my warm greetings to you and welcome you all to our annual Sports Day for Preschoolers, Sports Fest, Little Champions League 22-23. We are indeed grateful that you have taken out time, dear parents, from your busy schedule to be with us this sunny morning. I am greatly honored by your presence. I can assure you that your presence here today is a source of great motivation and encouragement to our little ones and to the entire school. Oh, that's good! कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।